और घराट वगैरह सब कुछ खत्म हो रखा है भाई, क्या ही बताएं। भैंस भैगी बैल गाय मरी सारे गौशाले भाई बहुत पूरी गांव में हाहाकार मचा है भाई, क्या ही बताएं। मतलब इतना गौशाला के क्या हाल हो रखे क्या ही बताएं। को देखे तो रोना आ रहा है, पर ऐसी मौत किसी को ना आए यार। चाहे इनका दर्द दोस्तों वही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो। ऐसी दुर्घटना देख के हालत खराब हो रही है, ऐसे देख के तो भाई ना ही भूख लग रही है ना ही प्यास लग रही है। रखे हैं खुरमुलादार वीडियो अपलोड करने और बढ़िया करके वीडियो अपलोड भी हो गई है, तो चलिए जी ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत धार खुरमुलाधार से। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात, तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो भी हो रही है खुरमुलाधार से, होगी वीडियो अपलोड। वीडियो अपलोड हो गई, लेकिन भाई साहब कल रात की जो त्रास देना वो बहुत याद आ रही यार। सही बात है, मतलब अभी भी 36 घंटे बोल रहा था, यानी कि 12 घंटे तो हो गए, 24 घंटे हो रहे अभी। बहुत डर लग रहा है सच बताएं तो, दिन में आराम मिल रहा है लेकिन जैसे अब रात हो रही है घबराहट शुरू हो जाएगी अब। बिल्कुल, चलो यार बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने बहुत मदद की यार। अरे भाई दोस्त कब काम आएंगे, दोस्त बहुत जरूरी है भाई। सही बात है, होगी वीडियो अपलोड। हो गई भाई, रिलीज भी कर दी है, सब कुछ हो गया। कैसा लगा कल रात को? हाँ क्या बताएं भाई, खतरनाक एक्सपीरियंस। वही तो, बहुत भयंकर। क्यों भाई, चलो देखते हैं। वैसे 36 घंटे का अलर्ट है ना भाई जी, 12 घंटे तो काट लिए। हाँ अब 24 घंटे देखते हैं अभी क्या होता है। सही बात है, तो चलो भाई बढ़िया करके हमारी वीडियो अपलोड भी हो गई है, अभी हमारी तैयारी है सीधे घर निकलने की। ठीक चले भाई जी, चलो बोला चलो। अभी दोस्तों बढ़िया करके हम सभी लोगों की वीडियो अपलोड हो गई है, बाकी अभी हम निकल चुके हैं खुरमुलाधार से सीधे घर के लिए। हम पहुंच चुके हैं चौरंगी देवता जी के मंदिर में, बाकी भाई सबसे पहले तो भगवान चौरंगी जी की जय, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। और दोस्तों आपने हम लोगों की पिछली वीडियो में देखा होगा रोड का कटान हो रखा था, और जो पूरी जेसीबी की मेहनत है वो सारी बर्बाद हो गई भाई, देख लो पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, पूरी रोड ऊपर से नीचे गदेरे तक आ गई है। अपनी जेसीबी वहां से हटा दी थी, वरना भाई जेसीबी नीचे गाड़ तक पक्का आ जाती, ये तो 100% था। और बाकी भाई दोस्तों देख लो कल रात इतनी भयंकर बाढ़ आई, देख लो आप खेतों के भी क्या हाल हो रखे हैं, पूरा खेत पूरे खेत तहस नहस हो रखे हैं। चलो भाई जेसीबी ने जो रोड बनाई थी वो भी पूरे ढंग से नीचे आ रखी है, पूरा पूरा फ्लट आ रखा है, बहुत ही बुरे हाल हो रखे क्या ही बताए। ओ भाई साहब सारी जगह लैंडस्लाइड हो रखा भाई, अभी दोस्तों हम श्री गांव के लिए तो निकल चुके हैं, और भाई साहब जो श्री गांव के सड़क की हाल हो रखे वो बहुत बेहाल और बुरे हाल हो रखे भाई, क्या ही बताए, हर चार कदम पे रोड टूट रखी है भाई। जेसीबी अपना हल्का फुल्का काम कर रही है, पर क्या करे जब फिर ऐसा ही होना है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री गांव के ठीक सामने, बाकी भाई दोस्तों ठीक सामने रहा हमारा श्री गांव। और दोस्तों इस इलाके में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है भाई श्री गांव में, आप देख सकते हैं खेतों के भी बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। पिछली बार हम इधर पहाड़ी भाई के यहाँ रुपाई पे आए थे, और देख लो भाई सभी लोगों ने रुपाई की और पूरी मेहनत सबकी बर्बाद हो गई है, और बाकी यहाँ श्री गांव में एक आध गौशाला भी बह गई है, और घराट वगैरह सब कुछ खत्म हो रखा है भाई, क्या ही बताए, बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है, पुल भी टूट रखे है, गौशाला टूट रखे है, जानवर
जानवर भी बह गए हैं, क्या ही बताएं। निकलते हैं माँ के श्री गांव के लिए, क्योंकि श्री गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है भाई। देखते हैं क्या क्या हो रखा है, कितना हो रखा है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाई श्री गांव में। नुकसान क्या क्या हुआ यहाँ? अरे यहाँ तो भैंस बहगी, बैल बह, गाय मरी, सारे गौशाले बह गए। प्रशासन आया? हाँ प्रशासन। क्या बोला प्रशासन ने? प्रशासन ने वो कहा कि इनको मिल जाएगा मौजा पशु का, और इन खेतों को तो अभी हम नहीं बना पाएंगे, उनको देख लेंगे, नक्शा प्लान देखेंगे। तो ये बात बताया, मतलब नुकसान बहुत ज्यादा हो रखा है, ज्यादा भयंकर। मतलब सबसे ज्यादा इस इलाके में श्री गांव में ही नुकसान हुआ होगा ना? श्री गांव में बेजवान जानवर भी बहुत मर रखे। नहीं बहुत मर रखे, बहुत दिखाई दे रहे जानवरों के फोटो ले लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, क्या बताएं क्या बताएं, ऐसे सारे पुलिया कई रास्ता अस्त व्यस्त। हाँ पुल हो गया, घराट पुल सारे, बहुत सारा व्यू, बहुत कई टाइम लगेगा। मतलब नुकसान बहुत ज्यादा हो रखा है श्री गांव में, क्या ही बताएं। और श्री गांव में हाहाकार मचा है भाई, क्या ही बताएं। मतलब इतना ज्यादा नुकसान हो रखा है इन लोगों का, गाय भैंस बकरी घर मकान घराट गौशाला सब बह रखे हैं भाई, क्या ही बताएं। प्रशासन आ रखा है, तो देखते हैं प्रशासन क्या एक्शन लेता है कि नहीं। देख लिया होगा श्री गांव में कितना नुकसान हो रखा है, पूरी गौशालाएं पूरे खेत पूरे तहस नहस हो रखा है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। लोग कह रहे हैं कि वहां गाय और भैंस दब के मर चुकी हैं, और क्या ही बताएं भाई। दोस्तों अभी तो पानी का बहाव थोड़ा कम है, कल रात बहुत भयंकर वाली बाढ़ आई थी, यहाँ आप देख सकते हैं पूरे पत्थर पूरे खेत खूत ये सब कल रात का हुआ है भाई। दोस्तों ये देख लो, यहाँ पर दो चार गौशालाएं थी, वो सारी उधर से बह गई हैं और बस एक ही गौशाला बची, और इसके भी बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है, देख लो। तो देख लो भाई यहाँ भी गौशाला के क्या हाल हो रखे हैं, क्या ही बताएं भाई साहब, पूरा तहस नहस, पूरा तहस नहस हो रखा भाई। बाकी भाई दोस्तों ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये थी भाई लोगों की छन्नियां भाई साहब, और ये और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सब गौशाला और मरड़े थे। मरड़े और छन्नियां तो आप लोगों को पता होगा, जहाँ भाई गाय भैंस रहते हैं, और क्या ही बताए इतना ज्यादा नुकसान हो रखा है, मैं बता नहीं सकता। तो दोस्तों देख लो भाई, दो भैंसें यहाँ मर रखी है, एक ये है और एक ये है, देख लो भाई। बाकी भाई दोस्तों इन बेजुबान जानवरों को देखकर तो रोना आ रहा है, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। ये बोलूं कि भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो भाई, किसी के साथ क्या बताएं यार, ना बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, और इन बेजुबानों का कोई नहीं होता भाई, क्या ही बताएं। हां बड़ा एरिया था, इतनी सारी छन्नियां थी, यहां सब तहस नहस हो गया। तो मैं तो यहां पहली बार आ रहा हूं भाई, यहां पहले भी आ रखे हैं भाई, कैसा था पहले यहां? यहां बहुत सारे लोगों के खेत थे, लोगों ने बहुत सारी क्यारियां लगा रखी थी, सब्जियों की क्यारियां थी, पेड़ थे, देखो नारंगी का पेड़ पूरा उखड़ रखा है बिल्कुल, लेकिन मतलब अब पता ही नहीं चल रहा, कोई नया आएगा ना वो सोचेगा यहाँ ऐसे था। सही बात है, जैसे हम हमें पता है कि यहाँ पूरी हरियाली थी पहले, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो यार इन्हीं लोगों को पता होगा, इनको इन पे क्या बीत रही है, क्यों भेजे। अब देखो कल रात हमारे साथ जो भी हुआ, हमारी क्या हालत खराब हो गई थी, बहुत हालत खराब हो गई। तो भाई साहब ये तो बहुत बेकार हो रहा, बहुत बेकार। पहाड़ों में ऐसे होता है, लोग मेहनत करते हैं, प्लान रोकते हैं, अपना बेचारे गाय भैंस पालते हैं, एक रुपए कमाते हैं दूध बेच के, और वो बेचारी भैंस देखो बेजवान जानवर, कितनी मतलब गंदी मौत हो रही है उनकी। सही बात है, बेजवान जानवरों को देखे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरी मौत मरे हैं, क्या ही बताएं। बाकी में दोस्तों कुछ भी हो, आपदा आए बाढ़ आए कुछ भी आए, पर ऐसी मौत किसी को ना आए यार, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, क्योंकि प्राण सबके पास होते हैं, दर्द सबको होता है, क्या करें। दोस्तों इधर अंकल जी है, अंकल जी के खेत बहे, गौशाला बहे, गाय भैंस सब तहस नहस हो गया। तहसीलदार आ रखे थे ना यहाँ, तहसीलदार कुछ नहीं बोली, चलेगी अरे इनका दर्द दोस्तों वही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, क्या करें।
बाकी भाई दोस्तों देख लो अंकल जी को देखकर बहुत दया आ रही क्या ही बताएं। पर क्या करें दोस्तों, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ होता तो हम करते। ऊपर से हम नीचे रोड पे आ रखे हैं जहाँ पे हमारी गाड़ियां लगा रखी थी भाई दोस्तों। ऐसी दुर्घटना देख के हालत खराब हो रही भाई, क्या ही बताएं। अभी समय 1:30 हो रहा है और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया और सुबह नाश्ता भी नहीं किया। ऐसे देख के तो भाई ना ही भूख लग रही है ना ही प्यास लग रही है, क्या ही बताएं भाई। पर हुआ बहुत बुरा और बेकार हुआ है, क्या बोले। तीरी गांव से हम सीधे पहुंच चुके हैं भाई धोंतरी गांव में। तो चलिए अभी हमारी तैयारी है सीधे नीचे घर पर जाने की। अभी भाई पहुंच चुके हैं हम घर पर। इधर है माँ जी थोड़ा हजार के भी हम जा रहे श्री गाँव पर बहुत नुकसान हो रहा है। क्या करे क्या काम धान मारे वाली धान मरी ना दुई तीन भैंसा गोरू फंगड़ा पटावा सब क्या। और दोस्तों यहाँ की बात करें इधर अनीता पानी लागे। अनीता कब आई स्कूल से? 1 बजे आ गई थी। ओ, कैसे रही आज क्लास में? अच्छी अच्छी बहुत अच्छी। क्या क्या पढ़ा आज? आज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। ओहो हो 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 बस बस बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पानी पियोगे? पी दिया भाई। चलो बढ़िया किया। बाकी भाई दोस्तों खाना खाने के बाद हमने आराम किया, यानी कि कल की जो नींद थी वो भी आज पूरी होगी भाई। और दोस्तों अभी के मौसम की बात करें, मौसम एकदम मस्त हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोस्तों आसमान की बात करें, आसमान में देख लो भाई काले काले बादल लगे हैं कि भाई अब ऐसे मौसम को देख के डर भी लग रहा है सच बताएं तो। दिन में इतनी भयंकर वाली धूप हो रही है कि लग ही नहीं रहा है कि सावन का महीना चल रहा होगा, पर जैसे ही रात पड़ रही है मौसम एकदम अपना रुख बदल रहा है भाई। यहाँ की बात करें इधर है भाई मधुली। हेलो मधुली, कैसी है? घास खाएगी? ले घास का। मधुली फुई फुई कर रही है भाई। अभी दोस्तों माँ जी और मैं बढ़िया करके बाहर पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा नहीं? आज बढ़िया क्योंकि रात को कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं मौसम का। क्यों? अभी तक मौसम ठीक है नहीं? ठीक है ठीक, पर हम लान भी अभी मौसम जरा ठीक थी, पर और क्या हुआ था? बस बाबा क्या हुआ, अब घर उठना चाहिए, रात भर खड़ा लग जाने लगी। बाकी बात करें इधर अंकित भाई लगे हैं। भाई क्या कर रहे? पैकिंग कर रहे हैं भाई। पैकिंग कर रहे कल जाने की, क्योंकि और थोड़ा इधर उधर जाएंगे ना उस वजह से। तो देख लो भाई अंकित भाई की तैयारी होगी कल निकलने की, वरना हमने सोचा था कि हम ट्रैक करेंगे। हाँ। पर क्या करें, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है। हमारा देख लो भाई पूरा सामान ला रखा था ये कैंपिंग कुम्पिंग का, पर क्या करना काम पड़ गया, बहुत जरूरी नहीं भाई। हाँ।